नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली हाई कोर्ट में निकली भर्ती के बारे में कंप्लीट डिटेल। सारी बातें बिल्कुल डिटेल में हम जानेंगे, जैसे कौन सी पोस्ट हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या लास्ट डेट है, क्या स्टार्टिंग डेट है, किस प्रकार आपका चयन होगा, कितनी एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, सारी बातें आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट जो है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से निकाली गई है। दोस्तों, यहाँ पर डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो डिपार्टमेंट आपका दिल्ली हाई कोर्ट रहेगा, जिसमें दोस्तों कुल पद यहाँ पर 132 निकाले गए हैं, जिसमें जनरल के 36, ओबीसी के 33, ईडब्ल्यूएस के लिए 21, एससी के लिए 16, 26 और एसटी के लिए 16 पोस्ट निकाली गई हैं। दोस्तों, अब बात करें पोस्ट की, तो यहाँ पर जो पोस्ट हैं दोस्तों वो आपकी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और रिस्टोरर की हैं। ये सभी पोस्ट दोस्तों ग्रुप सी के अंडर आती हैं। अगर बात करें दोस्तों फॉर्म भरने की शुरुआती तिथि की, तो ऑनलाइन फॉर्म आपके 19 फरवरी 2020 से शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट आपकी 11 मार्च 2020 रखी गई है। दोस्तों, इसके बीच आप जो है इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों एज लिमिट की, तो यहाँ पर जो आयु सीमा रखी गई है दोस्तों वो आपकी जो है जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 27 साल रखी गई है। अगर मैं बात करूँ ओबीसी के लिए तो 18 से 30 साल रखी गई है। एससी और एसटी के लिए 18 से 32 साल जो है एज लिमिट रखी गई है। दोस्तों, ये सभी मैंने रिलैक्सेशन इसमें इंक्लूड किए हैं और तभी आपको जो है एज बताई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आवेदन फीस की, तो यहाँ पर जो आवेदन फीस रखी गई है दोस्तों जनरल ओबीसी और जो है अदर कैटेगरीज के लिए वो यहाँ पर रखी गई है 600 रुपये। दोस्तों, ये जो है ईडब्ल्यूएस है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है वो 600 रुपये रखी गई है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन के लिए 300 रुपये रखी गई है। दोस्तों, ये जो फीस है ये आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी और आप जो है इसे ऑनलाइन मोड में पे कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों इसलिए जो भर्ती है इसकी चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है वो 4 स्टेजेस के बेसिस पर होगा, यानी 4 पड़ाव को आपको पार करना होगा, तब आप जो है दिल्ली हाई कोर्ट में ये पोस्ट ले पाएंगे। बात करें दोस्तों स्टेज वन की, तो जो स्टेज वन है ये आपका ओएमआर बेस्ड होगा, जिसमें आपके टोटल 120 नंबर के 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम आपके पास रहेगा 120 मिनट यानी 2 घंटे का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहने वाली है 0.25 की। दोस्तों, यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो आपके सिंपल रहने वाले हैं, इंग्लिश जीके रीजनिंग और मैथ। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश जीके रीजनिंग और मैथ ये 4 सब्जेक्ट आपके रहेंगे, जिसमें से इंग्लिश से 45 क्वेश्चन, जीके से 45 क्वेश्चन, रीजनिंग और मैथ को दोनों को मिलाकर 30 क्वेश्चन बनेंगे। दोस्तों, ये जो स्टेज है आपका ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, यानी सिंपल आपको बस इसे पास करना है। यहाँ पर दोस्तों जो पासिंग मार्क्स रखे गए हैं जनरल कैटेगरी के लिए वो 50% है, यानी 60 मार्क्स आपको कम से कम लाने होंगे अगर आप नेक्स्ट स्टेज में जाना चाहते हैं जनरल कैटेगरी के। उसके बाद ओबीसी और अदर कैटेगरीज के लिए 45% मार्क्स, यानी कम से कम आपको 54 मार्क्स लेकर आने होंगे अगर आप जो है ओबीसी और अदर कैटेगरी से स्टेज टू में जाना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर स्टेज टू की अगर हम बात करें, तो स्टेज टू आपका जो है डिस्क्रिप्टिव मेंस रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। दोस्तों, यहाँ पर भी आपको कम से कम क्वालिफाई होना पड़ेगा और यहाँ पर क्वालिफाइंग जो परसेंटेज है 50%, यानी 50 नंबर आपको 100 में से लेकर आने होंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप ओबीसी या फिर अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम 45% मार्क्स, यानी 45 मार्क्स आउट ऑफ 100 लेकर आने होंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो आपका स्टेज टू है ये आपका मेंस एग्ज़ाम है और इसके काउंट, इसके जो नंबर हैं वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में भी काउंट होंगे। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें स्टेज थ्री की, तो स्टेज थ्री आपका केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होगा और इसमें आपकी टाइपिंग ली जाएगी। 10 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, जिसमें आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में कंप्यूटर पर। इसके बाद दोस्तों जो तीनों स्टेज को क्वालिफाई कर लेगा उसे स्टेज फोर के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका इंटरव्यू होगा। दोस्तों, इंटरव्यू आपका जो है 25 मार्क्स का होगा, जिसमें से जनरल के लिए 12.5 मार्क्स लेकर आने अनिवार्य है, ये कम से कम पासिंग मार्क्स हैं। ओबीसी और अदर के लिए 11 मार्क्स कम से कम लेकर आने ही होंगे। तो दोस्तों, आपका जो स्टेज टू है और स्टेज फोर है ये दोनों ही आपका जो है काफ़ी हद तक जो है काम आएंगे इनके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में। जी हाँ दोस्तों, फाइनल मेरिट जो बनाई जाएगी वो स्टेज टू और स्टेज फोर के मार्क्स के बेसिस पर बनाई जाएगी।
दोस्तों यहाँ पर जो आपका स्टेज वन है जो कि OMR बेस्ड था और स्टेज थ्री जो कि टाइपिंग बेस्ड था, ये दोनों ही केवल आपको पास करने हैं, कोई भी नंबर इनका जो है नहीं मिलेगा, चाहे आप इसमें सिंपल पास हो चाहे आप मेरिट में आओ। सिंपल आप ध्यान दीजिएगा तो स्टेज टू और स्टेज फोर पर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इन पोस्ट की एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है वो मार्च और अप्रैल है। मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम 101% हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है आपसे एप्लीकेशन फीस ली जा रही है 600 रुपये। तो काफ़ी क्विक प्रोसेस जो है इस भर्ती का रहेगा और दिल्ली हाई कोर्ट की भर्ती है। आपको सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी मिलेगी लेवल 5 के अकॉर्डिंग, और दोस्तों आपको जो है काफ़ी रेपुटेटेड पोस्ट जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ, मैंने क्वालिफिकेशन आपको स्टार्टिंग में नहीं बताई थी, अब मैं आपको क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी गई है सिंपल ग्रेजुएट। अगर आपने दोस्तों ग्रेजुएट हैं आप किसी भी स्ट्रीम से किसी भी मीडियम से, तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सिंपल आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से किसी भी मीडियम से, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो इस भर्ती से रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है, काफ़ी क्विक प्रोसेस आपका होगा और आपके चांसेस में जॉब लगने के काफ़ी ज़्यादा हाई रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।